होशंगाबाद में श्रावण सोमवार के साथ आज सोमवती अमावस्या भी मनाई गई। सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या का विशेष सहयोग बना, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते स्नान पर प्रतिबंध लगा रहा है। प्रशासन द्वारा जिले में धारा 144 लागू है, सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। होशंगाबाद के सभी घाटों पर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। वहीं 100 से अधिक होमगार्ड सैनिक भी तैनात है, जिसके चलते कोई भी नर्मदा स्नान के लिए नहीं पहुंच ना सके। वहीं मंदिर के महंत ने बताया कि सावन का तीसरा सोमवार और सोमवती अमावस्या एक ही दिन बहुत वर्षों बाद योग बना है। इस दिन स्नान का बहुत महत्व है, साथ ही दान दक्षिणा का भी विशेष व महत्व बताया गया है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते घाट पर कोई भी श्रद्धालु स्नान करने नहीं पहुंच सका। होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट RS चौहान ने बताया कि होशंगाबाद के हर घाट पर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई। लगभग 100 से ज्यादा सैनिक की ड्यूटी हर घाट पर लगाई गई, जिससे नर्मदा में स्नान पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए और वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्नान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सभी सैनिक जितने हैं, जिले के बांद्रा भांस से लेकर यहाँ खर्रा घाट तक, सेठानी घाट, सर्किट हाउस और जिले की जहाँ जहाँ चिन्हित स्थान है, वहाँ पर सभी जीवन रक्षक उपकरणों के साथ में सुरक्षा गार्ड हमारी तैनात की गई है। और 87 जवान हमारे बिल्कुल ड्यूटी पर तैनात है, मुस्तैद हैं अभी वर्तमान में। और जहाँ जहाँ थोड़ी ये आशंका रहती है कि कुछ ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पर हमारी फोर्स भी लगी है, जिला पुलिस बल भी लगा हुआ है। जैसे बांद्रा भान में एक ASI लगी है, कांस्टेबल और हमारे 4 लड़के लगे हुए हैं। तो शासन की तरफ से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है और लोगों को मना भी किया जा रहा है कि वो नहीं आए। जैसे अभी सेठानी घाट पर हैं, तो सेठानी घाट पर पूरे इतने बड़े घाट पर एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से वो रखी है, चौकन्ना है हम लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। हरियाली अमावस्या है, श्रावण को होती है। इस रोज लोग मन्नतें मानते हैं और जिनकी गोद नहीं भरी जाती उनकी गोद के लिए प्रयास किया जाता है। और विशेष यह है सोमवती अमावस्या, सोमवार होने के कारण इसका विशेष महत्व है। तो भगवान शंकर जी और माता नर्मदा जी, बाप बेटी का दोनों का सहयोग बना हुआ है, तो इसलिए ये समय जो है विशेष दान पुण्य का, स्नान करने का और हवन आदि करने का है। इसमें जो कर्म किया जाएगा वो कई गुना फल मिलता है। इस प्रकार क्या कुछ देखते हैं, घाट खाली पड़े हुए हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, अब ये समय इस प्रकार का आया हुआ है जिसके कारण घाट खाली हुए, ये मेरे जीवन में पहली बार मैं देख रहा हूँ। मेरी उम्र लगभग 74 साल की हो गई, 75 साल की, कि घाट पर एक भी व्यक्ति स्नान भी नहीं कर रहा, पूजन पाठ भी नहीं कर रहा। अभी तक ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। ये इस समय सोमवती और हरियाली अमावस्या होने के कारण कम से कम 1.5 लाख 2 लाख आदमी यहाँ पर स्नान करते, दान पुण्य करते, स्नान आदि करते और अपने जीवन को सफल बनाते। होशंगाबाद से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।